कर लूंगी आज पता चल रहा है। मैथ का एग्जाम है, सपोर्ट मटेरियल लेके बैठी है, लेकिन रो क्यों रही है, इससे पूछो क्यों रो रही है भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मम्मी बुआ नीचे बैठी है और बच्चा पार्टी ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वंश प्राची को आज स्कूल लेट जाना है, आज एग्जाम है प्राची का। आज नाश्ते में बना है स्पेशल, दिखाओ भाई क्या बनाया आज। आज बनी है आलू की पकौड़ी, आज आलू हरी मिर्च सब चीज़ के। मैं वंश का लंच खा रही हूँ। वंश का लंच क्यों? हाँ, सुबह इसका टिफिन में रख दिया था ना, स्कूल जाना था, ये स्कूल से गया वापिस आया था सुबह, कह रहा मम्मी 1:30 बजे जाना, तो मैंने की पराठे खराब हो जाएंगे, अब मैं खाती नहीं, लेकिन मजबूर में खाने पड़ रहे हैं। तो गाइस चलो नाश्ता करते हैं। गाइस रात से जब से हम शादी में से आए हैं ना, जब से मेरे रात से बहुत ज्यादा गले में दर्द हो रहा है। वैसे आज स्लैब डे है, हैप्पी स्लैब डे, स्लैब डे। अम्मा आज ना चाटे मारने वाला दिन है, आज के दिन चाटा मारते हैं। प्राची बता आज के दिन चाटा मारते हैं सबके। कल फूल दिया था ना गाइस, सबने नाश्ता कर लिया है और प्राची को देखो अकेले बैठ के रो रही है। क्यों रो रही है भाई? आज इसका एग्जाम है मैथ का, मैथ का एग्जाम है, सपोर्ट मटेरियल लेके बैठी है, लेकिन रो क्यों रही है, इससे पूछो क्यों रो रही है भाई। टेंशन हो रही है जब फालतू, जब ये फालतू की जब काम में बिजी रहती थी ना, जब मैं इससे बोलती थी प्राची पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे, पेपर आ रहे हैं, पर नहीं, आज कर लूंगी आज पता चल रहा है, रो रही है। मैथ का पेपर है, वो भी मैथ के पेपर में रिवीजन करते हैं, रिवीजन कर ले, रिवीजन भी तो लेकिन करते ना, पहले से आता हो। हाँ, रिवीजन भी जब करी जाती है, जब आता हो भाई, मुझे नहीं लगता आज एग्जाम दे पाएगी। मम्मी तो मेरे मार सकती हो, एक चाटा मारो। हल्का सा मारा मम्मी ने, हाथ गीले। बुआ वो तुम भी मार सकती हो, मेरे स्लैप डे आज। गाइस नाश्ता करके भैया और मैं आ गए हैं ढाबे पे, यहाँ ग्राउंड में आ गए, धूप में बैठेंगे आराम से। देखो मेरी दोस्त भी बैठी है यहाँ पे धूप में, एक और आया छोटा सा, वो देखो चिक्की, चिक्की इसका नाम चिक्की है, एक और आई है देखो। हेलो हेलो, पार्क में देखे थे, बड़े क्यूट थे। हेलो चिक्की, चिक्की तेरा दोस्त है ये है? चिक्की ओए, चिक्की चिक्की। गाइस भैया और मैं तो घर पे आ गए, और इतनी तेज धूप थी ना, अच्छे से आराम से ऐसा लग रहा था सो जाए, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और मम्मी कर रही है सफाई, इसलिए मैं फ्री हूँ। मम्मी अलमारी की सेटिंग कर रही है, ये देखो, वो भी नानी से बात करते करते। और आज की सफाई मम्मी कर लेंगी क्योंकि मैं फ्री हूँ आज, है ना मम्मी? मम्मी ये खांसी की दवाई है ये वाली, चाउमीन, रसगुल्ला, और क्या खाया था, और क्या खाया था प्राची? पाव भाजी, बस यही सब खाया था मैंने। तो गाइस मेरा पानी गरम हो गया है, दवाई पीऊंगी अब गले की दर्द की, तो ज़्यादा खाने का ना यही नतीजा होता है, फ्री का खा लो ना, यही होता है, दवाई की जरूरत पड़ती है, दवाई तो पी ली, अब मुझे नींद ना आ जाए बस। गाइस ये देख लो, 12 बज गए हैं, देखो करेक्ट 12:05 हो गए, और घर में बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। मम्मी ने वंश प्राच के कपड़े निकाले, थोड़े मोटे मोटे कपड़े निकाले, ये वापिस रख रहे हैं क्योंकि गर्मी आने वाली है। आज मुझे नहीं लगता घर में सफाई हो पाएगी, 12 बज गए। गाइस अभी मैं बिल्कुल नहा के आई हूँ, और मम्मी बुआ भी नहा के आ गई है, और आज इतनी लेट काम हुआ है और टाइम का पता ही नहीं चला, कब भी दिया टाइम, 4 बजने वाले हैं। प्राची और वंश आएंगे 5:30 बजे, तो प्राची ने बोला कि जब तक मैं ना आऊँ ना तो मार्केट मत जाना, तो उसका वेट करेंगे। सब 4 बज गए, ये देखो करेक्ट 4 बजे हमारे घर में चाय बन जाती है, और बुआ लाई है नाश्ता, जीरा पापड़ फेवरेट चीज, और मेरी मम्मी वंश प्राची ने घर में कितनी शांति लग रही है ना, बहुत ज़्यादा घर खाली खाली भी लग रहा है।
मम्मी बाजार चलोगी? नहीं। सो गाइस फाइनली मैं तो रेडी हो गई हूँ और बुआ भी रेडी हो गई है मार्केट जाने के लिए। बस हम वेट कर रहे हैं वंश प्राची का। वंश प्राची अभी तक स्कूल से नहीं आई, 5:30 बज गए हैं। आ गए स्कूल से, ये है वो एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ऑल गुड था? हाँ, अच्छा गया। चल अच्छे नंबर आने चाहिए। खुशी तेरा कैसा गया? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरा कंप्यूटर का था। चलो वेरी गुड। तेरा वेट कर रहे हैं यार। मुझे भी जाना था। चल रेडी हो जा, जल्दी रेडी हो। क्या हम सब रेडी है? रितिका का पेपर है ये। गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं मार्केट। प्राची रेडी हो गई है स्कूल से आई, जल्दी से फाड़ फाड़ कपड़े बदले और निकल गए। खाना भी नहीं खाया ना? नहीं, मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया। अब हमें आते आते ना, अब हमें आते आते ना अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बहुत लेट जा रहे हैं हम। सो गाइस फाइनली हम मार्केट आ गए और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और प्राची को जो लेना था वो इसको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा हो गया। इसको सूट लेना था तो कलर में थोड़ी इसको दिक्कत हो रही है कि समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीक दोबारा आना पड़ेगा। बुआ ले रही है वंश के लिए गुड़ के सेब। ले लिए? नहीं लेते ना तो आज वो पक्का डांटता हमें। गाइस ये देखो बुआ ले रही है चूहे मारने की दवाई, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है चूहे की, चूहे मारने की दवाई की। ये देखो मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। प्राची कुछ समझ आया? नहीं नहीं आ रहा। रात भी तो अब अंधेरा हो गया है ना। गाइज अब हम घर जा रहे हैं मार्केट में। एक तो अंधेरा हो गया, ऊपर से हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो हमने कुछ लिया ही नहीं। अब घर जाते जाते प्राची हो गई है नान खटाई ले ली। सो गाइज फाइनली हम घर पे आ गए और मुझे आज ऐसा लगा जितना खुश मैं होती हूँ ना, मेरा आज फेवरेट दिन होता है ये थर्सडे मार्केट, जितना खुश होती हूँ ना आज इतना कुछ हो नहीं पाया। क्योंकि एक तो हम लेट गए थे, बोलते हैं ना कि अगर बेमन से जाओ ना तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं सिर्फ लेके आई हूँ अपने लिए सिर्फ एक क्लिप, ये वाली क्लिप, और कुछ नहीं लेके आए। बाकी बुआ से पूछते बुआ ने क्या खरीदा था। बुआ क्या लिया था? कुछ नहीं, वो बस ना गुड़ के सेब मंगाए थे। गुड़ के सेब मंगाए थे बस, वही लिया है? हाँ गुड़ के सेब आ गए तेरे। और प्राची मैम ने क्या खरीदा है? पेप्सी। बस पेप्सी भाई, बस ही गुड़ के सेब लाए चने और बुआ लाई है अपने लिए चने। गाइस जैसा सोचा था मार्केट जाएंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। प्राची का वेट भी करा, स्कूल से आई भी, हम गए भी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। मैं तो सिर्फ क्लिप लेके आई हूँ। गाइज मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा है सिंगिंग चैलेंज करने का, तो कल ना मैं अपनी फैमिली के साथ सिंगिंग चैलेंज करूँगी। मम्मी, बुआ और अम्मा और मैं, तो कल हम करेंगे सिंगिंग चैलेंज, तो देखते हैं उसमें फर्स्ट कौन आएगा। तो गाइज इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye!